सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये उसका सेंटर हो गया, ये इस पॉइंट पर है, वो सर्कल पर रोटेट कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एंगल से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था थीटा, ये क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड आई वो आती थी वी वी, तो वी ओमेगा में क्या रिलेशन आता था? वी इक्वल टू आर। ये सब हमने किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सीलरेशंस के बारे में, ठीक है। तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट आया, पहला जो क्वांटिटी आई हुई थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, तो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और ओमेगा को आपने फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका वो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आता है, ठीक है। एक छोटे टाइम इंटरवल में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन? दैट इज द ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम टी, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन दैट इज द अल्फा ए वी एंड दैट इज द ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 by time t, ठीक है। What is the instantaneous acceleration? That is the rate of change of omega with respect to time t. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि इस पॉइंट पर उसकी स्पीड है कुछ ओमेगा, और इस पॉइंट पे उसकी स्पीड कुछ हो जाती है ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, ठीक है। ठीक है, कितने टाइम बाद? डी टी टाइम बाद, डेल टी टाइम बाद। तो डेल टी टाइम को बहुत छोटा लेना है, तो आप क्या लिखते हो? अल्फा इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा इनिशियल दैट इज ओमेगा बाय डेल टी। तो ये हो जाता है अल्फा इक्वल टू व्हाट? डेल ओमेगा बाय डेल टी। और अगर ये आपने डेल टी बहुत छोटा ले लिया तो यानी लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो डेल ओमेगा बाय डेल टी, एंड इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। डेल्टी आपने बहुत छोटा ले लिया, डेल्टी आपने बहुत छोटा ले लिया, जीरो से जस्ट बढ़ा लेते हैं, जीरो से जस्ट थोड़ी सी पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे, तो उस टाइम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इस एंगुलर स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे लिया जाता है? देखिए, पार्टिकल अगर इस तरह से है, यहाँ पे स्वेप कर लिया, ठीक है, तो राइट हैंड रूल से आप अपनी उंगलियों को इस साइड लेंगे तो थंब का डायरेक्शन आपका किधर आएगा? आउटसाइड आएगा क्या? तो अगर इसको आप थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकालेंगे, यहाँ पर था पार्टिकल, इस पॉइंट पर था और इस पॉइंट से इस साइड पर गया, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से आपकी जो उंगलियाँ हैं वो इधर से इस साइड जा रही होंगी, थंब का डायरेक्शन आपका आउटसाइड द स्क्रीन होगा, आउटसाइड द स्क्रीन होगा, तो मैंने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो डायरेक्शन यहाँ पे कितना हो गया? डायरेक्शन इसमें थीटा का कैसे हो गया? आउटसाइड, ठीक है। अगर ओमेगा भी इधर है तो आपका ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पे भी अगेन डायरेक्शन आउटसाइड होगी। अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा का डायरेक्शन डिपेंड करेगा ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे ओमेगा 1 है और थोड़े से आगे पे चले जाते हो तो ये हो जाता है ओमेगा 2, ओमेगा 2, और ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 है, उस केस में डायरेक्शन क्या हुआ? आउटसाइड आया क्या? अगर ओमेगा 2 लेस देन ओमेगा 1 है तो उस केस में डायरेक्शन क्या आया? उस केस में डायरेक्शन आएगा अल्फा का इनसाइड, ठीक है। राइट हैंड रूल से निकालेंगे, ठीक है।
अगर वैसे नहीं दिख रहा तो आप ऐसे देख लीजिए, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा तो ये नीचे जाएगा, तो उस केस में अल्फा का डायरेक्शन होगा इनसाइड, ठीक है। नहीं सेकंड केस में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा तो उसका डायरेक्शन ये आएगा, ये क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, उस केस में अल्फा का डायरेक्शन आउटसाइड आएगा, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, और एवरेज एक्सीलरेशन इज व्हाट, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल विथ रिस्पेक्ट बाई टाइम टी इज कॉल्ड आपका एवरेज एक्सीलरेशन। एक मिनट मैं क्लियर कर लूँगा, स्पेस बना लेता हूँ। ओके ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन हमने पढ़ लिया, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ लिया। यहां पे अब दो तरह के एक्सीलरेशन होगा, अगर आपने स्पीड के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया। एक्सीलरेशन ए इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ओके। हमने एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के बारे में पढ़ा, अब इसकी स्पीड यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेंज हो रही है क्या? अगर मान लीजिए स्पीड कॉन्टिन्यूस चेंज हो रही है, या फिर इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो अगर मैं उसके केवल एक्सीलरेशन की बात करता हूँ, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं केवल एक्सीलरेशन की बात करता हूँ, तो एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है? एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So what is the R? R equal to vector R equal to R cos theta I cap plus sin theta j cap. ठीक है, so what is the velocity V? V equal to d R over dt. ठीक है, so d over dt of R cos theta i cap plus sin theta j cap. R cos theta का derivative कितना हो गया? minus sin theta i cap, sin theta का derivative हो गया plus cos theta j cap, और theta का derivative होगा तो हो जाएगा omega. So what is the v? V equal to R omega minus साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये वेलोसिटी वी आ गई, ओके ये वेलोसिटी वी आ गई। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ई? एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा जे कैप, एंड थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा, और इधर पे ओमेगा रह ही रहा, प्लस दो फंक्शन है यहाँ पे, ओमेगा भी चेंज हो रहा है और साइन, तो अभी आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो ये वाला पार्ट आ गया आपका आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस साइन थीटा जे कैप। और अभी इस वाले पार्ट को ऐसे कॉन्स्टेंट लोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना जाएगा वो आर, अभी ओमेगा को लिख दो वी बाई आर, तो डी वी ओवर डी टी हो गया क्या, डी वी ओवर डी टी, और ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ये ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो ये आर से आर कट गया, प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी आया। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप डी वी ओवर डी टी। देखिए यहां से बहुत बढ़िया कंक्लूजन आ रहा है, एक्सीलरेशन ए क्या हुआ, एक्सीलरेशन ए जो हुआ दैट इज द v स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस ई आर प्लस डी वी ओवर डी टी इंटू पोजिशन टेंजेंशियल वेक्टर ई टी। ठीक है, तो व्हाट इज द ई टी, इट इज दिस वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर ई टी यही हुआ ना, इसी को तो लिया था ई टी, जो उसका यूनिट वेक्टर लिया था वो ई टी आया था ना, वो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ई आर क्या हुआ माइनस ई आर क्या हुआ रेडियल वेक्टर इनसाइड, तो दे आर टू एक्सीलरेशन, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर प्लस ए टी। ए आर प्लस ए टी, वॉट इज द ए आर, ए आर इक्वल टू वॉट बी स्क्वायर बाई आर, टूवर्ड्स द सेंटर हुआ ना, वो टूवर्ड्स द सेंटर हुआ, और ए टी कितना, ए टी टेंजेंशियल हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन अ सर्कुलर मोशन देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, और यहीं से सर्कुलर मोशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, वन इज रेडियल एक्सीलरेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहेगा, सेंटर की तरफ लगेगा जो हमेशा, ठीक है, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, एंड सेकेंड इन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो हमेशा टेंजेंट होगा वेलोसिटी के। ठीक है, ए टी इक्वल टू व्हाट डी वी ओवर डी टी, और ए आर इक्वल टू व्हाट वी स्क्वायर बाई आर,
तो रेडियल एक्सीलरेशन ए आर इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाई आर, और ए टी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज द ए टी। तो इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और दूसरा इज द सेकंड इज द सेकंड इज द रेडियल एक्सीलरेशन। अब एक बात बहुत क्लियर है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये हुआ आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ये हुआ आपका रेडियल एक्सीलरेशन, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, ये रेडियल एक्सीलरेशन हो गया और ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगल कितना बना रही है, 90 बना रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द ए नॉट, ए नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के स्क्वायर का सम का अंडर रूट होगा, दैट इज कॉल्ड ए नॉट। ओके, क्लियर, ए नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन होता है, यहाँ पे आइए, नेट एक्सीलरेशन ए नॉट, ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, ए नॉट इज व्हाट, ए नॉट इक्वल टू, याद रखिएगा इसको, ए नॉट इक्वल टू ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो व्हाट इज द ए आर, रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन इज अ वी स्क्वायर बाई आर, यही वो एक्सीलरेशन है जो पार्टिकल को ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही वो एक्सीलरेशन है जो पार्टिकल को सर्कल में रखता है। और ए टी क्या हुआ, ए टी हुआ आपका, ए टी एक्सीलरेशन जो हुआ वो कॉन्टिन्यूस इसमें स्पीड को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ए टी, वो लेकिन वो लगे रहेगा हमेशा सर्कुलर मोशन के टेंजेंट में, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द ए आर, ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ए आर इज, डायरेक्शन ऑफ द ए आर इज टूवर्ड द सेंटर। सुनिए, यहाँ पर अगर अब रेडियल एक्सीलरेशन चेंज होता रहेगा, देखिए होता रह सकता है, देखिए कैसे, अगर यहाँ पे स्पीड होगी वी वन और यहाँ पे स्पीड होगी इसकी वी टू, ठीक है, तो वॉट इज द रेडियल एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट, वी वन स्क्वायर बाई आर, एंड वॉट इज द रेडियल एक्सीलरेशन एट दिस पॉइंट, वी टू स्क्वायर बाई आर, वॉट इज द रेडियल एक्सीलरेशन एट दिस पॉइंट, वी थ्री स्क्वायर बाई आर, एंड वी फोर स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इस पॉइंट पे उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, ए टी वन कितना होगा, डी ओवर डी टी ऑफ वी वन, यहां पे हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ वी टू, और यहां पर हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ वी थ्री। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ए टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव हो गया क्या, इसका मतलब वो सर्कुलर स्पीड उसकी पार्टिकल की इंक्रीज होती हुई जाएगी, ठीक है। अगर ये ए टी आपका निगेटिव हो गया तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती हुई जाएगी, कम होती हुई जाएगी, स्पीड कम होती हुई जाएगी। अगर ए टी जीरो हो गया, ए टी जीरो हो गया तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है इस सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है वो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। इन दैट केस वी कॉल द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ए टी जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ए टी अगर जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उस केस में कौन सा एक्सीलरेशन होगा, 80 तो जीरो हो गया, केवल उसमें रेडियल एक्सीलरेशन होगा, दैट इज द वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंटर की तरफ होगा हमेशा, और सेंटर की तरफ हमेशा होगा, और उसको ए वी स्क्वायर बाई आर ही सर्कुलर मोशन में रखेगा, वी स्क्वायर यानी रेडियल एक्सीलरेशन ही उसको उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखेगा। क्लियर,
एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर फोर देखें। ए पार्टिकल ट्रेवलिंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट ए स्पीड विद अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है यानी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड जीरो, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड रेडियस है उसका 20 सेंटीमीटर और टाइम t इक्वल टू है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम t कर दीजिए आप, तब आपका अल्फा निकल आएगा, या फिर आप ए टी निकाल लीजिए और डिवाइडेड बाई आर कर दो आप, तो अल्फा आ जाएगा, ए इक्वल टू आर अल्फा हुआ ना, वहां से आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे निकाल लें हम, ए टी इक्वल टू कितना आया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टी, वी फाइनल कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 बाई टाइम टी, टाइम टी कितना हुआ 2 सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए टी इक्वल टू कितना आया, ए टी इक्वल टू आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए आर इक्वल टू कितना हुआ, ए आर इक्वल टू हुआ आर इंटू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू हुआ ए बाई आर, अल्फा ए कितना आया 0.5 बाई आर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 5 बाई 2, दैट इज अ 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ द लीनियर स्पीड एट एनी टाइम इज गिवन बाई v इक्वल टू 2t एंड v इज इन द मीटर पर सेकेंड एंड t इन द सेकेंड, फाइंड द रेडियस एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड हेंस कैलकुलेट द टोटल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी एट एनी टाइम t इक्वल टू गिवन बाई 2t, ओके, उसने पूछा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी किस पॉइंट पे, व्हेन टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो व्हाट इज द ए टी, टी ओवर डी टी ऑफ वेलोसिटी वी इक्वल टू ए टी एंड दैट इज इक्वल टू 2, टी का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव कितना जाएगा, देखिए कैसे हुआ, डी ओवर डी टी ऑफ 2t हो गया ना, 2 बाहर आ गया, डी ओवर डी टी ऑफ टी हो गया, दैट इज द 1, हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द ए आर, ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो वी आपको निकालना होगा कब, 2t स्क्वायर बाई आर, तो ये हो गया 4t स्क्वायर यानी 9 बाई आर, रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर देंगे आप तो जाएगा 2 इंटू 9 बाई 10 की पावर माइनस 1, नॉट 18, 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियल एक्सीलरेशन कितना हो गया 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया 2, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल एक्सीलरेशन, ए नॉट, ए नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है, तो यह जाएगा 180 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, आंसर आता है 180.01।
A particle moving in a circle of radius 2 cm at a speed given by v equal to 4t, where v is the centimeter per second and t in the second. Find the tangential action. तो देखिए यहाँ पे सेम ही है, बस आप सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इज द at, at इज द dv ओवर dt, जो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, at आया. और व्हाट इज द ar, v स्क्वायर बाय r आया, v स्क्वायर बाय r कितना आया, 4 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज द 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, a नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेट एक्सीलरेशन द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर. ठीक है, ये सीएम में होगा, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड.